नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज फिर से हम कुछ बना रहे हैं जो झटपट बन जाएगा, ऐसा बनाएंगे हम। तो इसके लिए मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज और कुछ बिल्कुल छोटे छोटे बैंगन आते हैं ना, ये मैंने वो ले लिए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने इन बैंगनों को धो लिया था पहले ही, और अब मैं इनको ना बीच में से ऐसे कट लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से इनकी ये ऊपर की डंडी नहीं काटेंगे हम, ऐसे ही मैं इसमें कट लगा लूँ। ये देखिए, मैं सारे बैंगनों में इस तरह से पहले मैं कट लगा लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे बैंगनों में कट लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, प्याज है, मैं इसको भी बारीक बारीक काट लूँगी। तो ये देखिए, मैं बारीक, पहले हम सारी तैयारी कर लेते हैं इसके लिए। तो मैंने प्याज को भी काट लिया, थोड़ी सी मेरे पास ये मूंगफली भुनी हुई थी, तो इससे भी ना मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर लेती हूँ। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, में हल्का हल्का दरदरा रखना है, ठीक है। उधर मैंने टमाटर भी बारीक बारीक काट लिए इतने। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कढ़ाई रख दूँगी गैस पे और उसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल। ये देखिए, तेल डाल कर जब तेल गर्म हो जाएगा, इन सारे बैंगनों को हम उसमें फ्राई कर लेंगे। आँच को ज़्यादा तेज ना करें, नहीं तो सारे जल जाएंगे। और इसे ढककर मैं 3-4 मिनट के लिए पकाऊंगी। देखिए, एक तरफ से ये हो चुके हैं ये। अब मैं इन्हें फिर से पलट दूंगी सारों को। ये देखिए, ये मैंने इसको पलट दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सिक जाए ये। और फिर से मैं इसे ढक दूंगी। ये देखिए, सारे मेरे पलट गए हैं, मैं इनको ढक दूंगी। खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं ये। इसे हम पराठे के साथ, रोटी के भी साथ खा सकते हैं आसानी से। थोड़े चटपटे से बने हों तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए, मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ एक एक करके। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा तेल बच गया था, तो मैं इस तेल में ही बना लूँगी। कढ़ाई में जो तेल बचा था, उसमें थोड़ा मैंने पहले जीरा और हींग डाल दी। आप चाहें तो खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं, तेज पत्ता या मोटी इलायची, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला है। तो देखिए, जैसे ये जीरा और ये हींग तड़क जाएगी, इसमें डाल देंगे हम प्याज जो हमने बारीक काटा था, और इसे भी हल्का सा भून लूँगी। जैसे ये हल्का सा भून जाएगा, इसमें डाल लूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन का अदरक का पेस्ट जैसे ही भून जाएगा, मैं इसमें 1/2 चम्मच बेसन डाल दूँगी। अब इस बेसन को भी पकाना है, क्योंकि कच्चा था और ये पक गया। अब मैं डाल दूँगी इसमें खड़े अपने मसाले, जैसे कि मैंने कलर के लिए शिमला देगी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर, साबुत धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया। अब मैं इसे मसाले में थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़रा सा, कहीं मसाला जल ना जाए, क्योंकि बेसन भी है। तो ये देखिए, मैं इसको पका लिया मैंने इसे, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया भुना हुआ जीरा भी डाल दिया। और अब मैं डाल दूंगी टमाटर। अब टमाटर के साथ मुझे इसे पकाना है। ये देखिए, जब तक मसाला नहीं भुनता ना, तब तक इसे हमें पकाना है। तो मैंने थोड़ा सा, देखिए, पानी डाल दिया मैंने। अब 2 मिनट बाद देखिए, इसने ना छोड़ दिया नीचे से अपने आप ही, ये लग नहीं रहा मसाला नीचे, यानी कि इसमें पक चुका है मेरा बेसन भी अच्छी तरह से। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें ना 1 कटोरी पानी भर के डाल दिया, और इसे ढक दूंगी मैं, इसे एक उबाल आने दूंगी। ये देखिए, अब उबाल आ गया ना अच्छी तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये बैंगन जो हमने की फ्राई किए हुए हैं। ये देखिए, अब इसको बैंगनों को हमें इसके साथ पकाना है, ताकि बैंगन में भी अच्छी तरह से मसाला मिल जाए। और साथ ही डाल दूंगी मूंगफली जो हमने क्रश की है। ये देखिए, अब मैं इसे फिर से ढक के पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे इसे, और ये हमारे पक जाएंगे। ये देखिए, सारा तेल ऊपर आ गया है, मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है, बैंगनों में भी चढ़ चुके हैं। और ये हो गए हमारे बैंगन फ्राई तैयार। बड़े टेस्टी लगते हैं, चटपटे, रोटी पराठे के साथ, किसी के साथ भी खाइए। तो आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।